नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जानते हैं कि पूरक कोण होते हैं क्या। तो मान लीजिए कि किसी भी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और जिसमें बी जो एंगल है वो राइट एंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये देखते हैं कि चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये दो कोण कितने होंगे, क्योंकि त्रिभुज के ट्राइंगल के तीनों कोण का योग 180 होता है, और ये अगर 90 डिग्री है तो बाकी ये दो कोणों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही दो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर दो कोणों का ट्राइंगल के जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो दो कोण आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और आज हम इस वीडियो में इसी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सपोज करो कि ये थीटा है, ये एंगल सी थीटा है। लेट सपोज एंगल सी इक्वल्स टू थीटा, एंड वी नो दैट एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री है और थीटा सी इक्वल्स टू थीटा है, तो ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा और ये हो गया थीटा। अब पहले हम एंगल सी के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं, फिर एंगल ए के लिए देखेंगे, और फिर दोनों का रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है रिलेशन, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही काम आते हैं दोस्तों। तो फॉर एंगल सी के लिए क्या रेशियो होंगे उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए कि अगर ये सी है तो इसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इस एंगल के लिए ये पी होगा, ये एच होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस हो जाएगा, तो पी बाय एच यानी कि ए बी बाय ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी बाय ए सी हो जाएगा। उसी तरह से टेन थीटा आप निकालेंगे दोस्तों, तो टेन थीटा ए बी बाय बी सी, पी बाय बी होता है, ए बी बाय बी सी हो जाएगा। और कॉसेक थीटा क्या होगा दोस्तों, कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाय पी, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने का तरीका बता दिया था, आप उसको एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज बाय पी होगा एच बाय पी, तो एसी बाय ए बी हो जाएगा, एसी बाय ए बी हो गया। फिर इसी तरह सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा एसी बाय ए बी एच बाय बी, तो एसी बाय बी सी, बी सी हो गया ये। और उसी तरह से cot थीटा हो जाएगा बी बाय बी यानी कि बी सी बाय ए सी, आधार बटे लंब बी सी बाय ए बी। ये हो गया, ये सारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके हो गए दोस्तों, थीटा के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, इस एंगल के लिए निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिस एंगल को हम कंसिडर करते हैं उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं, और उस एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, बेस हो जाते हैं, और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है। तो अब इधेंटी माइनस थीटा के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए बी हो जाएगा बेस। तो आप दोस्तों इसमें देखते हैं फोर एंगल ए यानी कि 90 माइनस थीटा, इसके लिए देखते हैं, ये क्या था, थीटा था। ठीक है दोस्तों, सी थीटा था। अब इसके लिए साइन 90 माइनस थीटा देखते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए बेस होगा, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बड़ा हाइपोटेन्यूज यानी बीसी बाय एसी, ये हो जाएगा बीसी बाय एसी। ठीक है दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बी बाय ए सी। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो पी बाय लंब बाय आधार, तो बेस ये हो गया इसका लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी कि बी सी बाय ए बी। उसी तरह से cos sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा एच बाय पी, तो एच हो गया ए सी और पी हो जाएगा बी सी, तो ए सी बाय बी सी। से 90 माइनस थीटा क्या होगा एच बाय बी, तो एच हो गया ए सी और बी हो जाएगा उसके लिए ए बी, तो ए सी बाय ए बी। और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा बी बाय पी, तो बी इसका हो गया ए बी और पी हो गया बी सी, तो ए बी बाय बी सी। अब दोस्तों ये आपने सी के लिए निकाला, ये ए के लिए निकाल लिया, सिक्स इसके लिए सिक्स। अब आप इससे एक रिलेशन आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं, तो अब देखिए दोस्तों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी है इस एंगल में, और ये ए बी और ए बी बाय ए सी इसमें से किसके बराबर है, तो ये देखिए दोस्तों इसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा ए बी बाय ए सी के बराबर, यानी कि इसका जो ए बी बाय ए सी का रेशियो है इस एंगल में साइन थीटा होता है, उसी ट्रायंगल में ए बी बाय ए सी का रेशियो cos 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन की बात करें, तो पहला रिलेशन क्या आया दोस्तों कि साइन cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, क्या आया दोस्तों cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन एंड फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये सारे अभी जो रिलेशन निकलेंगे इस पे सारे फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, cos थीटा बीसी बाई एसी, अब ये बीसी बाई एसी जो है इस बीसी बाई एसी के बराबर है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो इस cos थीटा के बराबर होगा, तो दूसरा रिलेशन क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ये दूसरा रिलेशन आ गया दोस्तों। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या होगा इसका कि देखिए, अब इसमें टाइम ए बी बाई ए सी है, अब ये ए बी बाई ए सी इसमें किसके बराबर है, ये ए बी बाई ए सी जो है टेन, जो टेन है वो टेन किसके बराबर होगा, तो इधर ए बी बाई ए सी कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि आप कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये एक हो गया, फिर चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ए सी बाई ए बी, अब ए सी बाई ए बी क्या है ए सी बाय ए बी, ए सी बाई ए बी, ये ए सी बाई ए बी और ये sec 90 माइनस थीटा, यानी कि sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cosec थीटा, ये चौथा रिलेशन हो गया। और पांचवा रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जस्ट इसमें से मिला के दोनों में रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि ये जो अनुपात है इस अनुपात में किसके बराबर है, तो अगर L राइट हैंड साइड जिसके बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि AC बाई BC, तो AC बाई BC ये इसमें बराबर है, यानी कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। और छठा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाकी जो बच गया ये भी हो गया, अब ये cot BC माइनस AC, तो cot BC बाई AB जो होगा वो tan 90 माइनस थीटा का बराबर होगा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, ये छठा रिलेशन आपको हो गया दोस्तों। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो ये दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसके आपस का रिलेशन ये छह आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहला रिलेशन आया कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, दूसरा sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, इसका रिवर्स में फिर अगर यहां याद करना चाहे तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, मतलब आप cot tan के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आ जाएगा, sec cosec के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आ जाएगा, यानी कि sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाएगा और cosec 90 माइनस थीटा
sec थीटा हो जाएगा। तो अब इसमें याद रखना ही बड़ा आसान हो गया कि sin और cos दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री के लिए यूज होंगे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, उसी तरह cot 90 माइनस थीटा tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, उसी तरह sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये छह रिलेशन बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है, आप इसको याद कर सकते हैं और समझ गए तो आपको याद करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस पे आधारित एक प्रश्न जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही आसानी से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो प्रॉब्लम है दोस्तों कि tan 65 by cot 25 का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है, अगर आप इसका यूज कर लें तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, tan 65 by cot 25 का वैल्यू क्या होगा। तो अभी आपने इस रिलेशन में क्या देखा कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो आपको यहां सिर्फ क्योंकि tan और cot है तो इसी दोनों का रिलेशन आपस में इसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो चूंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको आप tan 65 को 95 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 95 माइनस 25 65 ही होता है और cot नीचे में सेम रह जाएगा 25 डिग्री। अब tan 90 माइनस 25 लिखा हमने और ये cot 25 लिखा। अब जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, अगर इसको हम थीटा मान ले, ये 90 है तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, 25 को थीटा मान लेते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये थीटा अगर है तो ये tan क्या हो जाएगा, tan 25 हो जाएगा, cot 25 हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot 25 by cot 25। ठीक है, अब ये आपस में कट जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों कितना सिंपल से ये आंसर निकल गया। उसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बहुत सारे छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको बड़े आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कोणमितीय सर्वसमी का वो क्या होता है। तो जैसे कोई भी इक्वेशन आप लेते हैं तो इक्वेशन किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए अप्लीकेबल होगा तो वो इक्वेशन हो गया, लेकिन अगर वो इक्वेशन हर वेरिएबल के लिए, हर वैल्यू के लिए अप्लीकेबल हो तो उसको हम आइडेंटिटी या सर्वसमिका कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय दोस्तों।